नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया की खास पेशकश रणबांकुरे में। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन के बीच जारी तनाव के बीच भारत ने चीन को चित कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना ने पेंगोंग सो झील के किनारे फिंगर फोर इलाके पर चीनी सेना की स्थिति को देखते हुए ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया है। सूत्रों ने बताया कि भारतीय सेना ने अगस्त के आखिर में ही ऊंचाई वाले इलाकों पर कब्जा करने के लिए झील के दक्षिण से ऑपरेशन शुरू कर दिया था, जिसके बाद एलएसी पर तनाव बढ़ता जा रहा है। पेंगोंग सो पर तो हालात और मुश्किल होते जा रहे हैं। पिछले 48 घंटे में ही चीन ने बड़ी संख्या में अपने सैनिकों को फिंगर फोर के पश्चिम में इकट्ठा किया है। माना जा रहा है कि इसके जरिए चीन भारतीय सेना को मिलने वाले उन सभी फायदों को बेकार करना चाहती है जो पेंगोंग सो के पास जवानों ने ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा कर हासिल किया है। सूत्रों के मुताबिक चीन ने मंगलवार रात को फिंगर फोर की रिजलाइन पहाड़ी के निचले हिस्से पर 2000 सैनिक तैनात कर दिए। भारत ने भी उसका सामना करने के लिए फिंगर तीन पर बराबर संख्या में जवानों को तैनात कर रखा है। बता दें कि चीन ने इस साल मई से ही फिंगर 8 से लेकर फिंगर 4 के इलाकों पर कब्जा कर रखा है, जहां भारत फिंगर 8 को एलएसी मानता है, वहीं चीन फिंगर 2 तक दावा करता है। इसी के मद्देनजर चीनी सेना ने अब फिंगर 4 से पीछे जाने से इनकार कर दिया है। बता दें कि एक समय चीन को फिंगर इलाके में चोटियां कब्जाने के लिए ज्यादा ऊंचाइयों का फायदा था, लेकिन 29-30 अगस्त की रात में भारतीय सेना द्वारा पेंगोंग के दक्षिणी किनारे से लेकर रेजांग ला के करीब रेकिन ला तक ऊंची चोटियों पर कब्जा जमाने के बाद चीन का ये फायदा भी खत्म हो गया। एक दिन पहले ही सरकारी सूत्रों ने बताया था कि पेंगोंग सो में दोनों सेनाएं एक दूसरे से महज 500 मीटर की दूरी पर हैं। सूत्रों के मुताबिक एलएसी के दोनों ही तरफ सेनाओं ने हथियार जुटा रखे हैं, दोनों एक दूसरे की शूटिंग रेंज में हैं और ऊंची चोटियों से टुकड़ियों की गतिविधियां साफ हैं। बताया जाता है कि चीन की सेना इस वक्त फिंगर फोर की चोटी पर तैनात हो चुकी है, जिसे ग्रीन टॉप कहते हैं। वो फिंगर तीन के पश्चिम में स्थित भारत के धन सिंह थापा पोस्ट की पूरी निगरानी कर सकता है। ग्रीन टॉप के पूर्व में 1 किलोमीटर पर एक पिंपल नाम की चोटी है, जिस पर चीन ने कब्जा कर रखा है। इसी स्ट्रेच पर दोनों सेनाओं के बीच स्थिति तनावपूर्ण है। सूत्रों का कहना है कि भारत फिंगर तीन की चोटी पर जाने की कोशिश में है, लेकिन पास में ही मौजूद चीनी सेना की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहा। भारतीय सेना ने पिछले कुछ दिनों में 2 बार फिंगर तीन पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली। लेकिन कुल मिलाकर एलएसी पर हर रोज कुछ ना कुछ हो रहा है और दोनों ही देशों के बीच शह और मात का खेल जारी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।